नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित बर्मन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्ड्स केयर एंड इन्फो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका तोता खाना ना खाए तो कैसे करें इलाज की वो फिर से खाना खाने लगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका भी तोता खाना नहीं खा रहा है कि आपके पैरट को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या आपका पैरट खाना को हजम नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आपके पैरट को डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो इसके दो इलाज। पहले तो इसका घर में कैसे करना है इलाज और दूसरा इसकी मेडिसिन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका घर में कैसे करना है इलाज। तो धनिए के बीज को पानी में भिगो लें, उसके बाद अपने तोते को पिलाएं, मतलब कि धनिए के बीज को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो लें और फिर उसी पानी को अपने तोते को पिलाएं दिन में 2 बार। अब हम बात करेंगे इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि आप मार्केट से एक मेडिसिन ले आओ जिसका नाम है नियोपेप्टिन सिरप। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। इसको 2 ड्रॉप सुबह में एंड 2 ड्रॉप शाम में ड्रॉपर या सिंज की मदद से अपने तोते को दे। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है तो आपका तोता इसे आसानी से ले लेगा। जब आपके तोते को डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि हाजमे की बीमारी हो जाता है, तो आपका तोता बिल्कुल शांत हो जाएगा और एक कोने में जाकर बैठ जाएगा। और डाइजेशन प्रॉब्लम होने के कारण आपके पैरट के फेदर्स भी धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं। तो उसे आप धनिए के बीज के पानी को पिलाएं या मेडिसिन दें, सब सही हो जाएगा। आपका तोता खाना खाने लगेगा और उसका खेलना कूदना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।